अस्सलाम वालेकुम मीमस, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहे हंसते खाते मुस्कुराते रहे। तो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी ब्रेड किस तरह से बनाती हूँ। बची हुई मेरे पास आलू की सब्ज़ी है, बहुत मिनटों में बन जाएगी, बहुत आसानी से, बहुत ही टेस्टी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये आलू की सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू को वेस्ट ना करने से अच्छा है मैं ब्रेड बच्चों के लिए बना दूं, बच्चे अच्छे से खुशी खुशी खा जाएंगे। तो देखें, मेरे पास 6-7 ये ब्रेड रखे हुए थे, एक दिन पहले के ब्रेड रखे हैं। तो ब्रेड भी फिनिश करनी है मुझे और आलू की सब्ज़ी फिनिश करनी है, कुछ वेस्ट नहीं करना है। तो देखें, मैंने ब्रेड ले ली है सब और इनकी कटिंग भी नहीं की है। अब ले ली है मैंने सूजी, तो मोटी सूजी लें, ज़्यादा बारीक सूजी ना लें। अब ब्रेड को मैंने रख दिए हैं इस तरीके से, ब्रेड रखती हैं लाइन लाइन से, और थोड़ी थोड़ी सब्जी हम हर एक ब्रेड पर रख देंगे इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जी आलू की रख दी है। इस तरीके से रख दें आप भी, अगर आपके घर में आलू की सब्जी बची है तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर बना के एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जो मेरे पतीले में सब्जी लगी रह गई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बड़े बर्तन में कर लिया है। अब इसमें ले लेते हैं हम 1 कप बेसन, तो मैं अंदाजे से ले रही हूँ हाथों की मदद से। आप 1 कप बेसन लें और गाढ़ा घोल बना लें, गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है। और मैंने ले लिया है 1/2 कप सूजी ले ली है, सूजी से थोड़ा सा क्रंच हो जाएगा ब्रेड। अब इसमें ले लिए हमने लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, थोड़ा चाहे तो आप लहसुन भी ले सकते हैं, लहसुन का पेस्ट। और इस तरीके से सब चीज़ सारे मसाले मिलाकर, और थोड़ा सा नमक ले लिया है। ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और थोड़ा सा पानी से गाढ़ा सा घोल बना लें। तो ये सब मैंने मटेरियल हाथों से लिया है और अंदाजे से लिया है। आप सोचेंगे कि मेरी वीडियो बहुत ख़राब हो रही है, तो मैं अपने एक हाथ से मैं कैमरे को पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो देखें, एक ब्रेड को मैंने दूसरे ब्रेड पर रखा है और एक गाढ़ा सा मैंने घोल बनाया है बेसन सूजी का। और इस तरीके से देखें, पलट पलट करके मैंने घोल ब्रेड पे लगा लिया है। और गरम गरम कढ़ाई में ऑयल है और गैस थोड़ा सा ऑफ मीडियम करके एक उस ब्रेड कढ़ाई में हमने ब्रेड डिप कर दिया है। तो हमने कटिंग नहीं करी है, पूरा ही ब्रेड हमने कढ़ाई में डिप कर दिया है तेल के साथ में, और इसको मीडियम आंच पर पकाना है, लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, थोड़ा फिर हाई फ्लेम कर देंगे। और देखें, इस तरीके से मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। इसी तरीके से दूसरा ब्रेड लेंगे, एक ब्रेड को दूसरे ब्रेड पर रखेंगे और गाढ़ा घोल लगाएंगे, और फिर दूसरे ब्रेड को भी हम गरम गरम ऑयल में डिप कर देंगे, और इस तरीके से थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे। और कढ़ाई में से तैयार है, और कढ़ाई में से हम निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने आपको गोल्डन ब्रेड बना के दिखा दिए हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखें कितना क्रंची क्रंची आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं। आप इसे कर लेते हैं छुरी से कटिंग, तो देखें लग रहे हैं ना ब्रेड बिल्कुल घर में तैयार किए हुए ब्रेड, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत आसानी से मिनटों में बन जाएंगे ब्रेड। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और सब्जी को वेस्ट ना करें, इस तरीके से बना के ज़रूर देखें। मैं हमेशा आपके लिए इजी और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी लेके आती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ईजी होती है। तो बच्चों को खिलाएँ, आप खाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।